हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ चुके हैं कुर्थौल में, क्योंकि यहाँ पे बैठने वाला है अयोध्या के राम मंदिर के थीम पे पंडाल, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनने वाला है गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे, तो ये कुछ इस तरीके से पंडाल को बनाया गया है। ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत और हर एक बारीकियों को खास ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो भी आप नज़र दौड़ाएँगे, यहाँ पर हर एक बारीकियों को डिटेलिंग में बनाया गया है। और भगवान राम का यहाँ पे उनके बाल रूप का यहाँ पे पंडाल में दर्शाया जाएगा। तो आप बने रहिए इस ब्लॉग में, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आयोजन किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं पिलर नंबर 55 ये रहा, और ये रहा पिलर नंबर 54, और ये रहा कुर्थौल का इलाका। तो गाइस, रास्ता कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, इसी के अंदर बनने वाला है राम मंदिर के थीम पे पंडाल। आज यहाँ से जैसे ही आप इंटर करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा की तैयारियाँ की जा रही है, और इसका जो भव्य पंडाल बनाया जा रहा है कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज तरीके से काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इधर साफ सफाई किया जा रहा है, और इधर वो जो आप वहाँ बांस देख रहे हो उसके द्वारा घेरा जाएगा। इस पंडाल को बहुत ही भव्य तरीके और सुंदर तरीके से बनाया जा रहा है, ये आप देख सकते हो। अंदर आ चुके हैं पंडाल में, और यहाँ पे तैयारियाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे कारीगर वगैरह आ चुके हैं, और माँ का प्रतिमा यहाँ पे बन रहा है गाइस। अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बन जाएगा धीरे धीरे। और यहाँ पे चल के जो भैया से बात करते हैं कि यहाँ पे इस बार का थीम क्या होगा, और मतलब यहाँ की तैयारियाँ कैसे चल रही है, भैया से बात करके देखते हैं। नाम क्या हुआ? दीपक सिंह राठौर का मैच हो गया। भैया इस बार का थीम क्या है यहाँ पे? राम अयोध्या मंदिर है। राम अयोध्या मंदिर, तो और उस मंदिर में जो मंदिर वहाँ बनी है राम अयोध्या मंदिर, हाँ। कुछ हम लोग अपने सोच कर थीम को डालते हैं, मतलब हर साल हम लोग कुछ ना कुछ उस मंदिर को लेते हुए कुछ अपना अलग से डालते हैं डिजाइनिंग। ओके, भैया कहने का मतलब है कि अयोध्या मंदिर राम का थीम का तो यहाँ तो बनेगा ही, साथ में उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट भी किया जाएगा, जो कि यहाँ के जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो भैया आप यहाँ पे कितने साल से यहाँ बैठा रहे हैं? हम लोग 1985 से, मतलब 1985 से यहाँ भैया बैठा रहे हैं। भैया इस बार का मतलब पंडाल का बजट कितना होगा? बजट वही 25 लाख के करीब। 25 लाख का करीब, और भैया मतलब यहाँ पे व्यवस्था क्या क्या की जाएगी यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए? यहाँ पे श्रद्धालु के लिए बैठने की जगह है, एक काउंटर रहेगा आइसक्रीम वगैरह का, फूड का रहेगा, वो आकर यहाँ बैठ सकते हैं। कुर्सी रहता है, टेबल रहता है, वह बैठ के अपना कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ नहीं होती है श्रद्धालु को। यहाँ तो 2 बजे 3 बजे रात 4 बजे तक लोग आते हैं। ओके भैया, मतलब प्रसाद में क्या ये होगा? मतलब प्रसाद में चार दिन का है, वो हलवा खीर पूड़ी यही सब जो चलता है। दशमी के दिन बुनिया है। और भैया आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो मतलब ये इसकी लंबाई और चौड़ाई इस पंडाल का क्या होगा? लंबाई चौड़ाई करीब चल जाएगा आपका 70 फीट चौड़ा हो जाएगा, और 95 100 आदमी कहता है, लेकिन हाँ। 95 के करीब आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा भव्य तरीके से बनाया जाएगा और बड़ा पंडाल बनाया जाएगा। और हमारा एक ये थीम है कि माता के पीछे बैकग्राउंड इस बार कुछ अच्छा रहेगा, बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा मतलब सुंदर बनाया जाएगा। का ऐसा थीम दे रहे हैं, राम जी का है, वो बाण चला रहे हैं, वो राक्षस को लग रही है, ये एक थीम मतलब रामायण की तरह बैकग्राउंड हो जाएगा। हाँ। और आगे पंडाल के आगे
एक बालक स्वरूप जो मूर्ति वहाँ बनी हुई है राम जी का, वो हम लोग उस झोपड़ी बना के आगे में उस राम जी का मूर्ति रखेंगे। मतलब राम जी का जो बचपन बीता वो सारा चीज यहाँ पे दर्शाया जाएगा इस पंडाल में। तो गाइस हाँ, तो गाइस यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। भैया से हमने जानकारी ली जो है हाँ, 1.5 से 2 किलोमीटर हम लोगों का लाइटिंग का हाँ, यहाँ पे। और वो जितने जो पुल है हमारे जो एलिवेटेड पुल हाँ, ये जो सामने हाँ, एलिवेटेड पुल रहता है हाँ, उसमें हमारा पूरे पुल पे तिरंगा हाँ, लाइट लगा रहेगा। मतलब लाइटिंग की व्यवस्था काफी ज्यादा अच्छा किया जाएगा, देखने में पता चलेगा। हाँ भैया, इस बार मतलब कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं इस पंडाल को बनाने के लिए और भगवान जी की प्रतिमा को बनाने के लिए? पंडाल वाले हैं उस्ताद अंसारी हाँ, मधुपुर झारखंड ओके, और मूर्ति वाले हैं कलाकार जो हैं वो आपका ये शिवशंकर पंडित जी जो स्वर्गीय हो गए हाँ, उनके बच्चे और उनकी टीम जो है कलकत्ता के साथ मिलकर यहाँ बनाते हैं हर साल। और लाइट जो है आपका रणधीर डेकोरेटर हाँ, और कैटर वो आपका झाई चक्का, मतलब झाई चक्का ही लोकल नहीं है वो सब लाइटिंग का, मतलब बनाने के लिए लोग बाहर से आते हैं हाँ, कितने लोगों का मतलब लग जाते होंगे, मतलब कितने लोग आते होंगे इसको बनाने के लिए? देखिए लमसम आपको पंडाल वाले 15 से 20 आदमी 15 से 20 आदमी हाँ ठीक है, टाइमिंग जैसा रहता है हाँ, अगर टाइम कम है तो ज्यादा आदमी, टाइम ज्यादा है तो कम आदमी। उसके बाद मूर्ति वाले वही 6-7 आदमी, लाइट वाले तो जान रहे हैं कि जैसा समय रहता वैसा काम लोग करते हैं, 15 से 20 आदमी 10 आदमी जैसा। ओके भैया, कब तक ये मतलब फाइनल हो जाने की उम्मीद है? फाइनल आपको षष्ठी कब, ऐसे तो हम सोच रहे हैं मूर्ति हमारी एकम के पहले हम फाइनल कर दें। ओके, कलश स्थापना के पहले। ओके, ऐसे कुछ इस तरीके से भैया ने बताया। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना अच्छा जानकारी के लिए, अपने बहुमूल्य कीमती समय हमें देने के लिए। पे आप देख सकते हैं अंदर में भगवान जी की प्रतिमा यहाँ पे बनाई जा रही है और ऊपर से वाटरप्रूफ किया जा रहा है क्योंकि पानी का बरसात का दिन है गाइस, तो यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था समस्या ना हो इसके लिए बहुत तरीके से ऊपर से वाटरप्रूफिंग का काम किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो और काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है गाइस। ये पीछे का इलाका आप देख सकते हो, पंडाल के पीछे का इलाका, यहाँ पे ऑफिस जैसा बनाया जाएगा, यहाँ पे मैनेजमेंट टीम बैठेगी और पूरे पंडाल को मैनेज करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो आसपास में घर भी है और ये रहा चूड़ा मिल, इस तरफ आप देख सकते हो और यहाँ पे मतलब काफ़ी हाँ बनस्थली तो आगे है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से पंडाल को बनाने का काम किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो पानी में भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं अपना अपना, क्योंकि ताकि ये दशहरा से पहले दशहरा में इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बना लिया जाए और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम बहुत ही सुंदर तरीके से किया जा रहा है। इस बार लाइटिंग में काफ़ी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे किनारे से अलग डेकोरेशन किया जाएगा और पीछे जो माँ का प्रतिमा होगा उसके पीछे भी अलग अलग तरह के लाइटिंग और बाल रूप जो होता है राम जी का उनके खूब सुंदर रूप तरीके से दिखाया जाएगा। ये आप देख सकते हो गाइस, ये आप पीछे का इलाका में आप देख सकते हो नज़ारा। तो गाइस आई होप आप सभी दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के नए ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।